और आइए एक बार फिर से सियासी खबरों का रुख करते हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं संसद भवन परिसर से। तस्वीरें मिलना शुरू हो गई हैं, विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। 11 बजे से आप जानते हैं सदन की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले विपक्षी सांसद जो हैं वो एकजुट होकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए संसद भवन परिसर में जो सदन की सीढ़ियां हैं वहां पर विपक्षी सांसद बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, इंसाफ की मांग करते हुए हाथों में तख्तियां पोस्टर लेकर नारेबाजी संसद भवन परिसर में चल रही है। इसमें टीएमसी के नेता नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के सांसद नजर आ रहे हैं, एक सुर में सब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए। राहुल गांधी भी विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, और देखिए किस तरीके से यहां जोरदार प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेन्द्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेन्द्र, ये केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर ही नारेबाजी यहां संसद भवन परिसर में? बिल्कुल, विपक्ष के बड़े नेताओं के खिलाफ पिछले कुछ समय में केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद संसद भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करो, खासतौर पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों की जो कार्रवाई हुई है केंद्र में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से पिछले दिनों सीबीआई ने हिरासत में लिया, जब ईडी के हिरासत के दौरान उन्हें निचली अदालत से जमानत मिली, इसके बाद फिर हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और फिर सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लिया। इसके बाद इस मसले को आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में उठाया था और तभी तय हुआ था कि सोमवार को प्रदर्शन किया जाएगा। तब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी इसमें जुड़नी थी, लेकिन हेमंत सोरेन फिलहाल जो है वो जमानत पर बाहर है, हालांकि उनपे जो कार्रवाई हो रही है वो भी मुद्दा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के कुछ मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई है, तो कुल मिलाकर के देश के अलग अलग हिस्सों में जो विपक्षी राज्य सरकार है और इसके अलावा जो बड़े नेता है, आला नेता है, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई है जांच एजेंसियों के द्वारा, केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा। लौटूंगी आपके पास, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का बयान सामने आ रहा है, सुनते हैं जरा। ऐसे आनंद फानंद में नहीं होनी चाहिए, उसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वेस्ट बंगाल में एक वुमेन के साथ फिर से वो होता है, मारपीट होती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कानून व्यवस्था अपना काम करे और एक्शन लिया जाए। क्रिमिनल लॉज आर इंप्लीमेंट, मनीष तिवारी जी कांग्रेस के लीडर हैं, उनका कहना है कि ये इट विल टर्न इंडिया इनटू अ पुलिस स्टेट। जो वो कह रहे हैं उनका जो फियर है लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब आया था उनके जो प्रोसेस था उनके मेंबर्स ने अपना आपत्ति जताई थी, क्या उसमें कमियां हैं ये सामने लाए थे, तो उस पर कोई चेंजेस नहीं किया गया। आपने तब ये बिल पास किया है शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़कर, जहां 145 ऑपोजिशन एमपीज को आपने सस्पेंड कर दिया गया था। ये देश का दुर्भाग्य है, हम चाहते थे इस पर चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, क्योंकि हर देशवासी को इसका असर होगा, पर इस पर नहीं किया गया है। दिखाता है जैसे बुलडोजर जस्टिस में ये विश्वास रखते हैं, वैसे कानूनों को बुलडोजर की तरह पार कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में फिर से एक वीडियो वायरल हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, वहाँ पे अरेस्ट हुए हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस तरीके से राजनीतिकरण ना होकर लॉ एंड जस्टिस का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं पालन किया जा रहा है। तालिबान की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने बुलडोजर जस्टिस को ऑलमोस्ट एक लीगल स्टेटस दे दिया गया है, शौर्य गाथाएं उसके ऊपर लिखी जाती हैं, महिलाओं का दुर्व्यवहार होता है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। प्लीज ईडी सीबीआई आईटी का जो मिसयूज हो रहा है, जो खुद एक ट्रायल कोर्ट ने जब उनको बेल दी थी अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कोई तथ्य नहीं है, अभी हेमंत सोरेन जी को जो बेल मिली है उसमें भी हाई कोर्ट ने कहा है कोई तथ्य नहीं है, तो दिखा रहा है ये फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, पॉलिटिकल विचार है। तो ईडी सीबीआई आईटी इन्हीं का नाम विपक्ष की तरफ से लिया जा रहा है और विपक्ष कह रहा है कि इन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, उसी के विरोध में नारेबाजी इस वक्त संसद भवन परिसर में चल रही है। राहुल गांधी भी विपक्ष के इस प्रदर्शन में शामिल है। हम सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेन्द्र इस वक्त मौजूद है। जैनेन्द्र, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला पहले ही गरमाया हुआ है, विपक्ष उसको पहले ही जोरदार तरीके से उठा रहा है और ऐसे में आज नया मुद्दा 3 नए कानूनों को कर जिसको अब विपक्ष जोड़ रहा है, कह रहा है ये बुलडोजर न्याय चलने नहीं देंगे, तो कुल मिलाकर एक बार फिर जबरदस्त आर पार आज सदन में देखने के लिए मिल सकती है क्या जैनेन्द्र, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में? देखिए सदन में तलखी तो जरूर दिखेगी क्योंकि विपक्ष के बेंचेस में संख्या बल जो है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन गतिरोध देखने को नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा जो होगी चूंकि उसमें विपक्ष शामिल होगा, ऐसे में संभावना कम है कि अंदर जो है वो कामकाज प्रभावित होगा। लेकिन हाँ, अब से कुछ देर पहले वो प्रदर्शन खत्म हुआ है संसद भवन की सीढ़ियों पर, केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई, खासतौर पर केजरीवाल के मसले को लेकर के इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, राहुल गांधी भी उसमें शामिल हुए। फिलहाल सारे सांसद अब सदन के अंदर जा चुके हैं। जहां तक आपराधिक कानूनों में बदलाव
बात है, तो उसको लेकर के विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। अगर आपके पास समय हो, मेरे पास मेरे साथ सुखदेव भगत कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद।